फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के निटिंग क्रिएशन। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी ये बेबी स्वेटर बना के लेके आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर बन के आती है और बनाना तो इसको बहुत ही आसान है। ये मैंने 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए बनाई है। अगर आप इसमें बड़ा साइज बनाना चाहो तो थोड़े फंदे ज़्यादा डल जाएंगे। जैसे हमारे आगे के पार्ट में यहाँ पे 6 डिजाइन डले हैं, तो ये डिजाइन ज़्यादा हो जाएंगे और बॉर्डर के साथ में दोनों तरफ है, ये हमारे 7 फंदे ही बन जाएंगे। और बैक पार्ट में जैसे 12 डिजाइन हैं, तो 1-2 डिजाइन ज़्यादा बन जाएगा, तो ये बड़े साइज में बन जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम इसका बैक पार्ट बनाएंगे और इसके बैक पार्ट में हमने 63 फंदे डाले हैं, 63 फंदे, और आगे के पार्ट में 39 यानी 39 फंदे दोनों पार्ट में डाले हैं। अब हम इसका बैक पार्ट बनाएंगे। बैक पार्ट को यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, तो इसके लिए हम 63 फंदे डालेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये वर्धमान की ऊन ली है और ये 10 नंबर की नीडल ली है। इससे हम अपना स्वेटर बनाना शुरू करेंगे और इसका बैक पार्ट बनाएंगे पहले। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फंदे डाले हैं। इसके डिजाइन के लिए हम 4 के मल्टीपल में फंदे लेके और 1 फंदा प्लस कर लेंगे, तो हमारा इसका डिजाइन सही से एडजस्ट हो जाएगा। दोनों तरफ हम अपनी 7 फंदों की बॉर्डर पट्टी रखेंगे जो दोनों साइड में हमारी आएगी। जैसे हमारा नीचे बॉर्डर बना हुआ है, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई हम बनाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 फंदे हम इस साइड में बॉर्डर पट्टी के रखेंगे, 7 दूसरी साइड में रखेंगे और बीच में हम अपना डिजाइन डालेंगे। और इसमें मैंने नीचे ये डिजाइनर फंदे डाले हैं। अगर फ्रेंड्स आप भी ये डिजाइनर फंदे डालना चाहो तो मैं इसकी वीडियो पहले से ही चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां से इसको देख सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम अपना डिजाइन बनाना बैक पार्ट का शुरू करते हैं। तो ये पहला फंदा है जो इसको ऐसे ही उतार लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे लेंगे हम, 1 उतारा था तो टोटल हमारे 7 हो जाएंगे, 5, 6 और 7। ये 7 फंदे हमारे बॉर्डर पट्टी के। अब आगे से हमारा इस फंदे से डिजाइन स्टार्ट होगा, तो इस फंदे को उल्टा ही बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 2, 3, फिर धागा आगे करेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे फिर सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 1 फंदा फिर उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे। ऐसे ही इसको बनाते जाएंगे लास्ट तक। लास्ट के 7 फंदे रखेंगे हम बॉर्डर पट्टी के, तो आगे तक हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, 1 फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, ऐसे ही बना के इसको पूरा करें, धागा पीछे और 3 फंदे फिर सीधे, धागा आगे, ये 1 फंदा उल्टा है जो ये। अब यहां तक हमारा डिजाइन कंप्लीट हुआ बीच के फंदों में, फिर धागा आगे ही रखेंगे, ये 2, 4, 6, 7, 7 फंदे हमारे ये बॉर्डर पट्टी के रहेंगे साइड में। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है बॉर्डर बनने के बाद। धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे लास्ट के फंदे को। 4 रोज में हमारा ये डिजाइन बन के कंप्लीट हो जाता है। इस रोंग साइड में फर्स्ट फंदा ऐसे ही उतारेंगे और फिर ये 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 फंदे हमारे ये बॉर्डर पट्टी के। अब धागा पीछे करेंगे, यहां से हमारा डिजाइन का फंदा जो ये यहां से उल्टा था, तो यहां से सीधा बन जाएगा, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे। जो फंदे सीधी तरफ से हमारे सीधे थे, ये यहां से उल्टे बनेंगे,
एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, ऐसे ही बनाते जाएंगे और इसको लास्ट तक, यहां तक बॉर्डर पट्टी तक ले आएंगे। ये फंदा उल्टा, एक फंदा और उल्टा, फिर धागा पीछे, ये लास्ट का डिजाइन का फंदा, इसको सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो चार छह सात, सात फंदे बॉर्डर पट्टी के, ये हमारे दोनों साइड से उल्टे उल्टे बनते जाएंगे। इनको उल्टा बनाएंगे, लास्ट का फंदा फिर सीधा बना देंगे। फिर आएंगे हम थर्ड रो पे सीधी तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी अलग अलग फंदे दिखाई देने लगे। अब थर्ड रो में इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे और ये बॉर्डर पट्टी के फंदे उल्टे बनाएंगे। तीन चार पांच छ और सात, सात फंदे ये हमारे बॉर्डर पट्टी के बन गए। अब ये जो उल्टा फंदा, यहाँ से हमारा डिजाइन स्टार्ट होता है, तो इस फंदे को हम बनाएंगे उल्टा, धागा घुमाएंगे ऐसे सिलाई के ऊपर से और इन तीन फंदों का एक फंदा ऐसे उल्टा बना देंगे। फिर धागा घुमाएंगे ऐसे, फिर ये बीच का फंदा है, इसको भी उल्टा ही बनाएंगे। फिर धागा घुमाएंगे, फिर तीन का एक कर देंगे ऐसे। फिर धागा घुमाएंगे, फिर से इस उल्टे फंदे को बना देंगे। फिर धागा घुमाएंगे, तीन का एक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हर बार हम जाली डालते जाएंगे, जो तीन का एक फंदा हमारा यहाँ पे, जो ये तीन का एक फंदा बना है, तो इसमें दो फंदे घट गए, तो एक जाली यहाँ पे डल जाएगी, एक आगे की साइड डल जाएगी यहाँ पे, तो हमारे फंदे फिर से बराबर हो जाएंगे। अगर जाली बीच में नहीं डाली गई कहीं पे भी, तो फंदे घट बढ़ जाएंगे और डिजाइन हमारा बिगड़ जाएगा। फिर धागा घुमाएंगे और फिर से तीन का एक करेंगे ऐसे। फिर धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर धागा घुमाएंगे, फिर से तीन का एक उल्टा बनाएंगे। फिर से धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर से धागा घुमाएंगे, तीन का एक उल्टा बनाएंगे। फिर से धागा घुमाएंगे, दो चार छ सात आठ, ये फंदा हमारा डिजाइन का है, तो इसको उल्टा बनाएंगे। अब फिर ये बॉर्डर पट्टी के फंदे भी हम उल्टे बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे डिजाइन की थर्ड रो थी सीधी तरफ से। धागा पीछे करेंगे, लास्ट फंदा सीधा बनाएंगे। अब हमारा ये डिजाइन ऐसे दिखाई देने लगा। अब आएंगे हम बैक साइड में फोर्थ रो पे। तो पहले फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे, फिर से ये फंदे बॉर्डर पट्टी के उल्टे बनाएंगे। तीन चार पांच छ और सात। देखिए फ्रेंड्स, अब ये अलग से दिखाई देगा, यहां से सीधा फंदा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। अब जो हमारा एक फंदा सीधा है, दो जाली है, इनको हम उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे बना देंगे, दोनों जाली के और बीच वाला फंदा। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड से हमारी सभी सिलाइयां ऐसे ही बनती जाएंगी, जैसे हमारी फोर्थ रो बनेगी और सेकंड रो बनेगी, ऐसे ही पूरे डिजाइन में ऐसे ही बनती जाएंगी। बहुत ही आसान डिजाइन है और बनने के बाद बहुत ही प्यारी जैकेट बन के आएगी, अलग ही डिजाइन में। जल्दी जल्दी बन के तैयार होती है। तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर से तीन फंदे उल्टे, दोनों जाली के फंदे उल्टे, बीच का फंदा है जो सीधा वो भी उल्टा। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से तीन फंदे उल्टे। अब धागा पीछे, ये हमारा लास्ट का फंदा है जो ये सीधा डिजाइन का है। अब धागा आगे करेंगे और जो ये बॉर्डर के फंदे हैं साथ, इनको उल्टा बनाएंगे। एक
दो, तीन, चार, पांच, छः, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। ये हमारी फोर्थ रो बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम सीधी तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये डिजाइन ऐसे नजर आने लगा। अब हम इसको इतना बनाएंगे जितनी हमने इसकी लेंथ चाहिएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हमारी ये जैकेट है, वहां तक बनानी हमने जहां तक हमने इसकी लंबाई बनानी है। तो हम इसको आगे बना के दिखाएंगे। इस डिजाइन को हम एक डिजाइन मान के चलेंगे चार सिलाइयों में। बॉर्डर बनाने के बाद ये चार सिलाइयों में डिजाइन बन के आया है। ये डिजाइन हम आगे बना के कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट बन के कंप्लीट हुआ। अब हमारे टोटल ये डिजाइन 22 डिजाइन है यहां से यहां तक। तो इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो हमारे टोटल ये 22 डिजाइन है और इसकी 10.5 इंच की लेंथ है। इस साइड में ऐसे नापेंगे, मेजर करेंगे तो ये 10.5 इंच लंबाई है। मेरे को इसकी इतनी ही लंबाई की जरूरत थी, 10.5 इंच की। अब हम इसका यहां से नेक बनाएंगे बैक पार्ट का। तो देखिए नेक को हम कैसे बनाएंगे। ये फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे, फर्स्ट फंदा धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 7 फंदे हैं, जो 2 3 4 5 6 7 ये फंदे हमारे बॉर्डर पट्टी के चलते ही जाएंगे। अब यहां से देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हमने दो डिजाइन रखने हैं। बीच में हमने यहां से यहां तक अपना नेक बनाना है। तो हम ये दो डिजाइन बनाएंगे। तो ये डिजाइन देखिए फ्रेंड्स, ये फंदा हमारा डिजाइन का, इसको हम उल्टा बनाएंगे, फिर ऐसे धागा घुमाएंगे और ये डिजाइन डालेंगे। तो इसका 3 का 1 बनाएंगे ऐसे, फिर धागा घुमाएंगे, ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर 3 का 1 उल्टा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दो डिजाइन बन गए। ये फंदा जो उल्टा है ये हमारा डिजाइन का है। तो इस धागा घुमाएंगे ऐसे और इसको उल्टा बना देंगे। तो ये 7 फंदों की हमारी बॉर्डर पट्टी और 2 हमारे डिजाइन, ये हमारे बनेंगे। और आगे हम यहाँ पे नेक बनाएंगे तो इसको हम उल्टा बनाएंगे बीच के फंदों को। ये बीच के फंदे उल्टे बनाते जाएंगे। इनको यहां तक बना लेंगे हम। ये 7 फंदे बॉर्डर पट्टी के, 2 डिजाइन रखेंगे, यहां तक हम इनको उल्टा बनाएंगे सभी फंदों को। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सभी फंदे नेक के उल्टे बन के कंप्लीट हुए। अब ये फंदा है जो ये हमारा डिजाइन का है, तो इस फंदे को हम ऐसे बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, ये 2 डिजाइन हम बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे 3 का 1 फिर से उल्टा बना देंगे ऐसे, फिर धागा घुमाएंगे, ये बीच का फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से 3 का 1 उल्टा बना देंगे ऐसे, फिर धागा घुमाएंगे, ये फंदा हमारा है जो ये डिजाइन का है, तो इसको उल्टा बना देंगे। फिर जो ये 7 फंदे हैं बटन बॉर्डर पट्टी के, इनको भी हम उल्टा बनाते जाएंगे। धागा पीछे करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बीच में फंदे हैं जो हमारे यहाँ पे, ये यहां से हमारा नेक बनता जाएगा। तो अब बैक साइड में आएंगे। बैक साइड में हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे इसको। यहां से एक फंद इसको उतारेंगे, ये फंदे बॉर्डर पट्टी के उल्टे बनाएंगे। 7 फंदों को हम उल्टा बनाते जाएंगे। धागा पीछे करेंगे, ये हमारा डिजाइन का फंदा है, तो इसको हम सीधा बनाएंगे। फिर से ऐसे ही करेंगे जैसे हमने नीचे डिजाइन बनाया था। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे उल्टे बनाएंगे।
फिर धागा पीछे करेंगे, ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पे ये दो डिजाइन बन गए। अब हम यहाँ से ये फंदे जो सीधी तरफ से उल्टे हैं, ये बैक साइड से भी अब हम उल्टे बनाएंगे। ये फंदे हमारे यहाँ से नेक के हैं, तो इनको उल्टा बनाते जाएंगे। इनको यहां तक उल्टा बनाएंगे, यहां तक ये हमने अपने दो डिजाइन रखने हैं, यहां तक हम इनको सभी को उल्टा बनाते आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहां तक ये फंदे हमारे उल्टे बन गए, ये सीधी तरफ से भी उल्टे और उल्टी तरफ से भी उल्टे। तो ये फंदा हमारा अब हमारे डिजाइन का, ये दो डिजाइन हमने बनाने हैं तो इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, ये डिजाइन का फंदा सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, सात फंदे बॉर्डर पट्टी के उल्टे। धागा पीछे करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा। अब आएंगे हम सीधी तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये नजर आने लगा, ये बीच में हमारा नेक बनता जाएगा, दोनों साइड में बॉर्डर पट्टी और दो ये डिजाइन बनेगी। तो ये उल्टी उल्टी दोनों ये सिलाई है जो दोनों साइड से हमारी उल्टी उल्टी है, ये हम छह सिलाई बनाएंगे। जैसे हमने ये नीचे यहाँ पे बना रखी है, ऐसे ही छह सिलाई यहाँ पे बॉर्डर की बनाएंगे नेक के लिए। तो इसको बना के फिर आपको दिखाएंगे। दोनों तरफ से आप ऐसे ही बनाते जाइएगा, दो डिजाइन बना के फिर उल्टे फंदे, यहाँ पे भी दो डिजाइन तक उल्टे बनाते जाइएगा, आगे फिर डिजाइन और बॉर्डर पट्टी, ऐसे बना के इसको कंप्लीट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये नेक की छह सिलाइयां बन के यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो हमारे हमने जैसे शुरू में फंदे डाले, तो हमने ये यहाँ पे 63 फंदे डाले थे, 63 फंदे। तो हमारे दोनों साइड में ये सात सात फंदों की बॉर्डर पट्टी आ गई, तो बीच में हमारे 49 फंदे बच गए। इनमें हमने ये डिजाइन डाला, 4 के मल्टीपल करके ये हमारे टोटल 12 डिजाइन डले हुए हैं, 12 चौक 48 और एक फंदा प्लस का, तो 49 फंदों में हमारा डिजाइन है, 14 फंदों की बटन पट्टी है, टोटल हमारे 63 फंदे हैं। तो अब हमने आगे ये नेक को बीच में बाइंड ऑफ करना है इन फंदों को, तो यहाँ पे सात फंदे हमारे जैसे ये बटन पट्टी के, इसके बॉर्डर पट्टी के सॉरी, और दो डिजाइन है, ये डिजाइन हमारे दो चलते रहेंगे, और यहाँ पे हमने सात फंदे और बॉर्डर पट्टी के बनाने हैं दोनों साइड में, डिजाइन के साथ साथ में बीच के फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे, ये सात फंदे, दो तीन चार पांच छः और सात, ये फंदा हमारा डिजाइन का है, इसको भी हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, यहां तक हमारे ये सात फंदे बॉर्डर पट्टी के और दो डिजाइन डल गए। अब हम इसके आगे सात फंदे और बनाएंगे उल्टे, दोनों तरफ हमारे सात सात फंदों की ये बॉर्डर पट्टी बन जाएगी, ये हमारा शोल्डर बनके तैयार होगा, यहां तक शोल्डर है, फिर ये जो आगे की पार्ट में जाएगा हमारा ये डिजाइन, वो बनना अब आगे शुरू हो जाएगा। तो यहां से एक दो तीन चार पांच छः और सात, अब ये फंदे हमारे शोल्डर के बन गए। तो धागा पीछे करेंगे और इन दो फंदों का एक फंदा बना देंगे, इनको बाइंड ऑफ करेंगे बीच के फंदों को, इस फंदे को वापिस इसी पे ले आएंगे और फिर दो का एक कर देंगे, फिर से इस पे ले आएंगे, फिर से दो का एक कर देंगे, ऐसे फिर से दो का एक करेंगे, ऐसे करते जाएंगे, इनको
यहां तक करेंगे कि जो ये डिजाइन डला हुआ है, डिजाइन का फंदा जो हमारा ये उल्टा, इससे आगे सात फंदे और रखेंगे, दो चार छह सात, ये बीच के फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इनको करके आपको अब दिखाएं। देखिए फ्रेंड्स, ये बीच में हमारे नेक के फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे सात फंदे बॉर्डर पट्टी के हैं और बीच में दो डिजाइन है, तो ये फंदा हमारा डिजाइन का है। इससे आगे हमारे छह फंदे तो ये इस नीडल पे है, एक फंदा इस पे है। तो धागा आगे करेंगे और इन फंदों को उल्टा बना देंगे। तीन चार पांच छह और सात, ये सात फंदे हमारे बॉर्डर पट्टी के। अब ये फंदा हमारा डिजाइन का, तो इसको हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। ये दो डिजाइन हमने डालने हैं, तो तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे तीन फंदे फिर सीधे, धागा अपनी तरफ ये फंदा डिजाइन का। ये आगे के सात फंदे हमारे, दो चार छह सात, ये फंदे हमारे उल्टे बॉर्डर पट्टी के। धागा पीछे करेंगे और लास्ट का फंदा सीधा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे अब हमारे ये दोनों साइड में हमारी ये जैसे यहां पे बटन, ये बॉर्डर पट्टी बनती आई है, ऐसे ही अब हमारी यहां पे बनेगी सात फंदों की। तो हमारे पास यहां पे धागा ज्वाइंट है, तो हम पहले इसी पोर्शन को बनाएंगे, इसको बाद में बना लेंगे। तो इन फंदों को साइड के उल्टे उल्टे बनाते जाएंगे, दोनों सात सात फंदे, बीच में दो डिजाइन डालते जाएंगे। तो अब हम ये आगे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा बना के जब दिखाएंगे आपको इससे आगे कितना बनाएंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, अब ये शोल्डर बन के हमारा कंप्लीट हुआ। पहले हमने यहां से नीचे से और यहां तक 22 डिजाइन डाले थे, अब आगे हमने 8 डिजाइन ये और डाल दिए, तो हमारे टोटल ये लंबाई में 30 डिजाइन बन गई। तो अब हम यहां से शोल्डर बनाना, जो आगे की तरफ जाएगा फंदे घटते जाएंगे, वो डिजाइन बनाना हम शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे, ये फंदे बॉर्डर पट्टी के थे जो सात, अब हम यहाँ पे तीन फंदे और बनाएंगे, तो टोटल 10 बन जाएंगे, दो दो चार पांच छ सात आठ और नौ और 10। अब जैसे हमारे ये सात फंदे दूसरी साइड में बॉर्डर पट्टी के हैं, तो ये भी हमारे टोटल 10 बनाने हमने अब यहाँ पे। तो दो चार छ सात, ये तीन फंदे हम बनाएंगे और, तो 10 हो जाएंगे हमारे ये। तो बीच में जो तीन फंदे बन गए, इनका तीन का एक सीधी तरफ से उल्टा बना देंगे, ऐसे तीन का एक। अब फिर आगे के फंदे उल्टे बनाएंगे, 10 फंदे दोनों तरफ, 10 10 फंदे हमारे उल्टे बन जाएंगे और तीन का एक बीच में बन जाएगा। यहां से हमारा आगे, ये जो आगे की तरफ हमारा डिजाइन है शोल्डर में, वो बनता चला जाएगा। अब फिर आएंगे बैक साइड में। देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड में हमारी पूरी सिलाइयां अब उल्टी ही बनती जाएंगी। इसमें हमने कोई सीधा फंदा नहीं, कोई डिजाइन नहीं, कोई घटाना नहीं, कुछ नहीं करना। इसमें हम सभी सिलाइयां उल्टी उल्टी बनाते जाएंगे, इसको उल्टा बना के पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब आ गए हम सीधी तरफ। सीधी तरफ फिर से ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, और पहले हमने यहाँ पे 10 फंदे बनाए थे, अब की बार 9 बनाएंगे। तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ, और नौ फंदे हम दो चार छ आठ और नौ, नौ दूसरी साइड के बॉर्डर पट्टी के रखेंगे, तो बीच में हमारे तीन फंदे हैं जो इनके तीन का एक फिर से कर देंगे। सिर्फ सीधी तरफ से ही तीन का एक सेंटर के फंदे घटाते जाएंगे और बैक साइड से सभी सिलाइयां उल्टी बनाते जाएंगे, इनको उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा। अब फिर बैक साइड में आएंगे,
तो बैक साइड में फिर से पूरी रो को उल्टा बनाएंगे। अब आ गए हम सीधी तरफ। पहले हमने 10 फंदे बनाए थे, फिर हमने 9 बनाए, अब की बार हम 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और 3 का एक करेंगे तो लास्ट में हमारे फिर 8 फंदे ही उल्टे बच जाएंगे। तो हर बार ऐसे ही करते जाएंगे। अब की बार 8 है, अगली बार 7 बनाएंगे, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 3, आखिर में हमारे यहाँ पे 3 फंदे ही रह जाएंगे। तब तक हम इनको ऐसे ही बनाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे ये लास्ट में 3 फंदे बच गए। ऐसे घटाते गए तो हमारी इस तरह की शेप बन के आएगी। अब हम इन 3 फंदों का एक फंदा यहाँ पे ही उल्टा बना देंगे ऐसे, और इसको ऐसे खींच के यहाँ पे टाइट कर देंगे इसको, और इसके अंदर से इसको निकाल के बन के आएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये एक पार्ट मैंने बना के आपको सिखा दिया है। अब आप इसको दूसरे पार्ट को ऐसे ही बनाइए जैसे ये मैंने ये पार्ट बनाना बताया है, ऐसे ही बनाते जाइएगा और हमारा ये बैक पार्ट बन के कम्प्लीट होएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पार्ट बैक पार्ट की वीडियो नंबर 1 है। अगली वीडियो पार्ट 2 फ्रंट साइड के पल्लों की बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अलग से हमने कोई गला, कोई बाजू कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा, अपने आप ही इसकी शेप बनती आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए और मेरा डिजाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।